बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, सबको पता है फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है। पहली बात, ये मैं वीडियो सोशल मीडिया पेजेस पे नहीं डाल सकता, पेज उड़ जाएंगे, आपको पता है हमारे पेजेस क्या क्या मसले मसाइल है। लेकिन अब सुन ले, मुझ पर बहुत प्रेशर आ रहा है पूरी दुनिया से। तो हम बैठे हुए नहीं है, हम भरपूर वर्किंग कर रहे हैं। आप लोग खुद जानते हैं, जेडीसी अगर कोविड में डेली 35,000 बोरे राशन बांट सकती है 4 महीने तक, या सैलाब में लाखों बोरे राशन दे सकती है, तो हम जो भी काम करते हैं, या तुर्की के जलजले में हम जाके वहां भी काम कर रहे थे, यहां से भी ट्रकों के ट्रक तुर्की एम्बेसी के थ्रू, और वो पीडीएम जो है पीडीएमए प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू भेज रहे थे, तो उसका एक पूरा तरीका था। इस वक्त अगर मैं यहां कोई भी अपील करूं कि भाई फलस्तीन के लिए आप मुझे आटा दे दें, नहीं चाहिए। मैं आपसे बोल दूं तेल दे दें, कुकिंग ऑयल नहीं चाहिए। हम अभी सांगू साहब जो हैं तुर्की के जो वजीर हैं, उनसे गवर्नर साहब ने बात की है। अभी इजिप्ट, तुर्की ने जो इमदाद भेजी है इजिप्ट के जरिए भेजी है, वो अब सांगू साहब इजिप्ट में सेटिंग करवा रहे हैं हमारी। हम गवर्नर साहब, हम लोग अभी आपको बाकायदा बताऊंगा। मैं देखें, मैं कच्ची बात करूंगा नहीं कि मैं आपसे कह दूं ये चीज चाहिए वहां। अभी पहले तो सूरत हाल देख लें। हमने पहले क्या देखा परसों के, भाई लाशें रखने के जितने मुर्दा खाने भर चुके हैं, अब आइसक्रीम के जो ट्रक होते हैं उसमें से आइसक्रीम निकाल के उसमें लाशें रखी जा रही हैं, पहली चीज। उसके बाद हमने क्या देखा कि जी पूरे सोशल मीडिया पे पोस्टें चल रही हैं कि परियां उड़ रही हैं, छोटे छोटे एक एक साल के एक एक महीने के बच्चे हैं, उनके पर निकले वो उड़ रही हैं, परियां उड़ रही हैं फलस्तीन में। क्या है, बच्चों की रूहें, बच्चों की लाशें दिखाई जा रही हैं, इतने इतने बच्चे मट्टी में ईंटों के नीचे दबे हुए, कयामत खेज मनाजिर है, जुल्म बर्बरी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो WHO के पेज के ऊपर अभी एक घंटे पहले पोस्ट आई है कि अस्पताल है अल अहली अरब, उसके ऊपर ये नॉर्थ गजा में, इसके ऊपर जो मिसाइल मारा गया है, तो 1500 लोग तो अभी इस वक्त बता रहे हैं 2 घंटे के अंदर कि उसके अंदर मासूम बच्चे जो इलाज कराने आए थे, औरतें वो, और जो बेचारे पना गुजरते जिनके घर बिल्डिंग सब खत्म, सब अंदर थे, सबकी खबर बन गई है। क्या करें, सर पीट सकते हैं, दुआ कर सकते हैं जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ? कोशिश कर रहा हूं मैं मुझे लोग हर चीज में टैग कर रहे हैं कि भाई, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, यही जरिया है, मैं वीडियो बना रहा हूं, व्हाट्सएप के जरिए आगे भेज दिएगा, क्योंकि पेजों पे लग रही है तो पेज उड़ रहे हैं भाई। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमें जो चीजें बताई गई हैं वहां से, इजिप्ट से, गवर्नर साहब के भी इल्म में, गवर्नर सिंह कामरान खान सॉरी के, दवाइयां, पानी, पानी यहां से भेजेंगे तो जिस पानी जितनी यहां से वहां में कॉस्ट आ जाएगी उतने में 10 गुना ज्यादा पानी आ जाएगा, तो पानी वहीं से खरीदेंगे। हो सकता है मैं 3-4 दिन बाद आपको इजिप्ट में नजर आऊं, पानी वहीं से खरीदेंगे। मेडिसिन चाहिए बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने इनसे बोला है, बताओ कि क्या डॉक्टरों की टीमें कहीं भेजी जा सकती हैं किसी बॉर्डर पर कहीं पर, जो यहां से जाएं उनके जो एक्सपेंस होंगे हम बर्दाश्त कर लें, उनका जो हफ्ते जहमत होगा, कहीं नौकरी कर रहे हो आ जाओ 1 महीने 15 दिन 10 दिन के लिए, तुम्हारा जाना आना सब देखेंगे, वो बात चल रही है। फिर उसके बाद गर्म कंबल लिहाफ, ये यहां पर सर्दी नहीं है ना, अभी आप इससे आगे बढ़े मालूम करें, शुरू हो चुका है सर्दी का टाइम भाई। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को मरने से बचाया जाएगा? कयामत हो रही है इस वक्त, कयामत बर्पा हो चुकी है, कयामत है, लोग मुसीबत में फलस्तीन में, और बहुत बड़े पैमाने पे मुसीबत में। तो हम वर्किंग कर रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, ना कोई कैंप लगाने की अपील करूंगा, ना कोई कच्ची बात करूंगा, जब तक पूरी सेटिंग नहीं बनेगी। आया यहां से परचेजिंग करनी है, आया मिस्र से जाके परचेजिंग करनी है, क्या तरीका कार है, यहां से सामान अगर देते हैं हम तुर्की के थ्रू, तो तुर्की ने जो भेजा है वो इजिप्ट के थ्रू भेजा है, पूरी चीज पूरी होगी तो बताऊंगा आपको। उसमें भी पहले हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपकी जरूरत होगी तो आपको बता देंगे, भाई आप 20 रुपए पैसा डाल लें, ये खरीद के ला दें, ये कर दें, ऐसे कर दें। अभी तो मैं पहले रास्ते तो समझूं, तरीका कार क्या है, भाई कैंप लगाओ, कैंप लगाओ, क्या कैंप लगाऊं, अभी कैंप लगाऊंगा कोई गंदे कपड़े लेकर आ जाएगा भर के एक ट्रक, कोई कुछ ले आएगा, कोई आटा देगा लोगों के खुलूस में, वो नहीं कर रहा। लेकिन अभी ये देखना कि वहां चाहिए क्या, यहां से आटा लेके जाऊंगा 15 दिन में 10 दिन में उसके कीड़े पड़ जाएंगे, वहां आया आटा रोटी बनाने की जगह बची या कुछ छोड़ा है, सब उड़ा दिया है। तो हर चीज देखनी है, रेडी मिल चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारे मैं पूरी दुनिया में अगर कोई सुन रहा है, मैं सुन लें, पूरे पाकिस्तान के दिल जख्मी है, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही, एक एक महीने के बच्चों की लाशें हम नहीं सह पा रहे भाई, ना देख पा रहे, कयामत है, ऐसा दुनिया में कहीं जुल्म नहीं हुआ होगा, एक साथ 40-40 बच्चों की लाशें रखी हुई है, क्या है ये? अभी जिस अस्पताल की बात कर रहा हूं, एक घंटे जाए देख ले, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल पेज देख ले, एक घंटे पहले 1500 लोगों का, तो वो बोल रहे हैं स्टार्टिंग में कबर बन गई, यू धड़ बिल्डिंग बैठाई है, क्या जुल्म है, कब रुकेगा जुल्म है? लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, मैं बताऊंगा जब बताऊंगा उस वक्त करेंगे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं किसने कैंप लगाया, कौन क्या जमा कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट आएगी क्या उसका बेहतरीन तरीका आपको बता दूंगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिएगा भाई, आपका आईडी है फेसबुक की, आप लगाना चाहे लगा लें, हमारे लिए मुश्किलात है,
कि हम लगाएंगे, अगर वो पेज उड़ा दें कर दें तो जो पूरी दुनिया में जो हम कुछ कर रहे हैं वो भी सब रह जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए आप इसको वीडियो को जरूर आगे फैलाएं ताकि हर एक की नॉलेज में आ सके। जो कुछ होगा आपकी नॉलेज में ले आऊंगा।